लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं अमिताभ सर। चौधरी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो काम था लोगों को भेजने का, इसमें अगर अधिकारियों ने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई होती तो ये सलीके से हो सकता था? इतनी भीड़ सड़कों पर नहीं लगती, गरीब आदमी को इतनी तकलीफ नहीं होती, जिस काम के लिए कल पूरी रात मुख्यमंत्री को लगना पड़ा जागकर, अगर अधिकारी थोड़ा भी दिमाग से पहले से जागृत होते तो ज्यादा बेहतर ढंग से चीजें हो सकती थी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि साधन तो असीमित तो है नहीं, साधन सीमित है और जनता इधर से उधर जाने वाली बहुत बड़ी तादाद में है जी। अब यूपी और राजस्थान और हरियाणा तीनों बॉर्डर है मेरे क्षेत्र में कोसीगढ़ा में जी जी। वहाँ 5,000 आते हैं, उन्हें खाना खिला के भेजते हैं, इतने में फिर 6,000 आ जाते हैं। तो इसलिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है भेजने का भी खाने का भी, एक भी आदमी बगैर खाने के। हम कम से कम 50 किलोमीटर के बीच में हजारों आदमी खाना बांट रहा है और उनके लिए साधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आने वालों की तादाद ज्यादा है और साधन उसके मुताबिक सीमित है, इसलिए ये थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, क्या इस बात का अंदाजा पहले नहीं लगाया गया कि जब टोटल लॉकडाउन होगा देश में तो औद्योगिक इलाकों से मजदूर पलायन करेगा ही करेगा, पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है, फैक्ट्री हो बंद हो जाए तो मजदूर कभी नहीं रहता उस इलाके में। हाँ बिल्कुल, तो मजदूर जाएगा दिल्ली से भी, नोएडा से भी, गाजियाबाद से भी, मुंबई से भी, सूरत से भी, अहमदाबाद से भी, भिवंडी से भी, इस बात का अंदाज क्यों नहीं लगाया? देखिए ये एक चूक, ये तो विश्वव्यापी ही महामारी है, पहले विदेशों से हमारे लोग आने शुरू हुए तो प्री क्वेश्चन पूरे इस बात को तो WHO भी कह रहा है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी जल्दी प्रिकॉशन लिए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे देश में सबसे पहले प्रिकॉशन लिए हैं और इसमें है पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी लगे हुए हैं, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतनी सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है कि साधन सीमित है और जाने वालों की तादाद इधर से उधर बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी ही अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, लेकिन सबको खाना और सबको सवारी मुहैया कराई जा रही है। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आता है लक्ष्मीनारायण जी, चूंकि संकट बड़ा है, हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और देश और पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन फिर इसलिए एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो लोग जा रहे हैं गरीब लोग जी, ये जब पहुंचेंगे गांव तो वहां जब बस से उतरेंगे तो कोई ऐसा इंतजाम क्या कर रहे हैं हम लोग कि इनकी थर्मल स्कैनिंग हो जाए, क्योंकि सब ऐसे ही गांव के भीतर प्रवेश कर गए तो एक दूसरी समस्या भी पैदा हो सकती है। देखिए ये तो अब होने को तो ये महामारी है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे डॉक्टर भी इतने मुस्तैद हैं और जब भी कोई आदमी आता है ग्राम में तो तुरंत हम लोगों को भी सूचना मिलती है, SPM को भी सूचना मिलती है, डॉक्टर तुरंत हम गाड़ी भी भेजते हैं और डॉक्टर को भी भेजते हैं, इसलिए प्रिकॉशन तो पूरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब फिर भी अब ये तो टंका कपूर वहाँ एयरपोर्ट से लखनऊ के उससे क्या कहा जा सकता है, लेकिन पूरी मुस्तैदी है। नहीं अभी एक दो आते हैं गांव में तो अलग बात है चौधरी साहब, लेकिन अब जब एक बस दो बस उतरेगी गांव में जाके तो भड़बड़ मचेगी, उस भड़बड़ में तो लोग बिना स्कैनिंग के ना निकलें। देखिए जनता ने जी, मैं ये कह दूं जनता ने इसको खुद स्वीकार कर लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील को, और चूंकि 130 करोड़ हमारी आबादी है, अब इसमें यदि 10 लाख और 5 लाख ऐसे लोग हों तो उनका कोई प्रतिशत तो बनता नहीं, लेकिन मैं इतना कह दूं कि गांवों में भी
मैं पूरे क्षेत्र की और जिले की मेरे पास रिपोर्ट है मथुरा की, गांवों में स्वयं हर आदमी एहतियात बरत रहा है और प्रधानमंत्री जी की बात को सबने ऐसे स्वीकार किया है कि ये हमारा काम है, ये सरकार का काम नहीं है, इस तरह से एहतियात बरत रहे हैं लोग। तो पूरी उम्मीद ये है कि इसको निश्चित रूप से कोरोना को हम लोग हराएंगे। चौधरी साहब इस बात का बिल्कुल सब एक ही बात है, इसमें देश में या दुनिया में दो राय नहीं कि कोरोना को हारना चाहिए, मानवता को जीतना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भूख के डर से बड़ा डर दुनिया में कोई होता नहीं, चाहे कोरोना हो चाहे कोई हो। अगर कोरोना का डर बड़ा होता तो ये लाखों लोग सड़क पर नहीं निकलते। इससे फिर सिद्ध होता कि भूख का डर किसी भी कोरोना से बड़ा डर है। भूख तो इसलिए मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता हूँ, जहाँ आदमी काम करने के लिए जाता है और जब उसे रोजगार जब बंद हो जाए तो फिर वो अपने घर जाना चाहता है, ये एक मानव प्रवृत्ति है। इसलिए केवल भूख की एक कारण नहीं हो सकता, आदमी अपने घर जाना चाहता है ये एक कारण भी है उसमें। चौधरी साहब जब ये भी पता था कि ये मानव प्रवृत्ति है प्रशासन को, तो इस मानव प्रवृत्ति से निपटने के लिए एडवांस में इंतजाम नहीं रखे जाने चाहिए थे? फिर इसके लिए कल रात में मुख्यमंत्री को पूरी रात जाग के परिवहन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और मेडिकल के अधिकारियों के साथ माथापच्ची करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी ना कि अधिकारी पहले से सचेत नहीं हुए। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, 24 को ये अनाउंस हो गया, इसलिए अब 1000 बसें आज कम से कम लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश में जी। इनको घरों पे पहुंचाने के लिए लाखों आदमियों का इस समय मथुरा, अकेले मथुरा जिले की बात कर रहा हूं मैं, यहां आने वालों के लिए कम से कम 20,000 आदमियों का खाना प्रतिदिन बन रहा है। तो इंतजाम कर रहे हैं इतने, चूंकि एट्रेंडम एक महामारी है इसलिए अब थोड़ा कठिनाई तो है, लेकिन इस कठिनाई को मैं देख रहा हूँ, यहाँ मेरे घर के सामने होके भी लोग जो निकलते हैं जी, मैं देख रहा हूँ एक उनमें भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा काम है, हमारी जिंदगी का मतलब है बचाने का, बिल्कुल ठीक बात, को बचाने बिल्कुल, का मतलब है, बिल्कुल चौधरी साहब को बचाने का मतलब है जी, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं है जनता में इस प्रकार का। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद।